ये एयरपोर्ट का काम चल रहा है, यहाँ पे इंजीनियर एक मिले हैं, उनसे देखिए आपको बात करा देते हैं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कैसे करना पड़ता है जॉब। दीपक भाई बताइए, एयरपोर्ट में कैसे काम होता है या क्या करना पड़ता है? यहाँ अभी PTT वगैरह का काम चल रहा है, पैरेलल टैक्सी ट्रैक का। अच्छा, PTT मतलब ये जो दिख रहा है PTT वाला, ये पोर्शन है पूरा PQC से जो बना हुआ है। अच्छा, इसी को PTT बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पैरेलल टैक्सी ट्रैक, और ये पूरा लाइन लेवल के साथ काम किया जाता है इसका। और ये जो एरोप्लेन वगैरह आती है, डेंस BC वाले रोड पे आती है, बिटुमिनस वाले रोड पे, और PQC वाले पे इसको नहीं चलाया जाता है। इसको मात्र जैसे कोई गाड़ी ट्रेन वगैरह जाती है तो आउटिंग पे जो खड़ी हो रहती है उसके हिसाब से इसको रखा जाता है, इसलिए बनाया जाता है। अच्छा, और बाकी जो रनवे के लिए बिटुमिनस रोड का ही यूज किया जाता है। अच्छा, और जैसे आप साइट पे हैं तो आपको बहुत सारा डिफ़िकल्टी आता होगा, नया नया इंजीनियर आता है उसको अलग अलग चैलेंज फेस करना पड़ता होगा, उसमें क्या करता है नया इंजीनियर जो आता है उसको क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा सिविल इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर? नए इंजीनियर जो आएंगे उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर पहले से काम सीखा हुआ है, अच्छे से पढ़ाई किया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बस एनवायरमेंट के ऊपर रहता है सब कुछ। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो करना ही पड़ता है, जैसे लाइन लेवल का हुआ, ऑटो लेवल वगैरह हुआ, और अपना सर्वे वगैरह हुआ, और बाकी और ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। देखा जाए तो काफ़ी कुछ काम रहता है और नहीं भी रहता है, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ता है इसमें। टेक्निकल पोर्शन पूरा एकदम क्लियर करना पड़ता है, निकालना, सर्वे वगैरह, और सभी चीज़ों का जो क्रस्ट रहता है उसकी अलग अलग लेयर पे अलग अलग उसकी लेयर का नाम याद होना चाहिए, उसका कितना क्रस्ट है उसका वो भी याद होना चाहिए, और हर लेयर का स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, जैसे GSB, WM, DBM, BC, PQC, DLC, इन सब का प्रॉपर एकदम बढ़िया से नाम याद होना चाहिए, और इसका मिक्स डिज़ाइन वगैरह भी याद होना चाहिए, और लाइन लेवल तो मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा, यदि कोई नया फ्रेशर इंजीनियर है जब BTEC करके या डिप्लोमा करके साइट पे आता है तो क्या क्या प्रेशर झेलना पड़ता है, क्या क्या सैलरी का कितना मिलता है? सैलरी मिनिमम 10 से 15 हज़ार मिलता है फ्रेशर को। अच्छा, और ज़्यादा प्रेशर रहता नहीं फ्रेशर के लिए, क्यों क्या है कि उसको अभी कुछ टाइम के लिए तो 1 से 2 साल उसको काम सीखने के लिए बोला जाता है, उससे बोला जाता है कि अभी काम सीखो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अच्छा। और 10 से 15 हज़ार उसे सैलरी मिल जाती है।